Hare Krishna, everyone. So my question is that what, according to you, is the correct definition of brahmacharya for the youth, including all the factors like marrying and all others? देखो वैसे ब्रह्मचारी, वैसे तो ब्रह्मचारी होना इट इज वन ऑफ द क्वालिटी फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि जो नीति शास्त्र है उसमें आता है ऐसा, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक के समान चेष्टा होनी चाहिए, बको ध्यानम ध्यान कैसा होना चाहिए, बक के समान, बगुल के समान होना चाहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वार निद्रा तथा वच, श्वार निद्रा मतलब कुत्ते की तरह सोना चाहिए, कुत्ता कैसे होता है तो ऐसे नहीं सोए तो नहीं, मतलब सोना भी चाहिए तो वेकफुली सोना चाहिए, श्वार निद्रा तथा वच अल्पाहारी, विद्यार्थी के लिए और क्या जरूरी है, अल्पाहारी बहुत नहीं खाना चाहिए उसको, तो आलस में रहेगा सो जाएगा वो, अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम, तो आखिर में क्या आ रहा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब जो है बेसिकली ही इज अ स्टूडेंट लाइफ में, वन शुड नॉट डैली विद वुमन, वन शुड नॉट फ्लर्ट विद वुमन, वन शुड नॉट टॉक अबाउट वुमन, एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट यू मे डिस्कस कि ओके फला फला रिस्पेक्टेबल लेडी इज देयर, पर बात करना ओए उसको देखा अरे क्या नमकीन चीज है यार, ओए ये सब बातें करिए कोई ब्रह्मचारी रहेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑल्सो ब्रह्मचारी ऑल्सो मीन्स दैट ब्रह्मचारी शुड स्टे अवे फ्रॉम दी allurements of mundane entertainment. For example, smartphone hai, isme movies dekhna, it's a kind of entertainment. Agar entertainment se brahmachari bahut attach ho gaya agar, to fir actually he is meant to be a vidyarthi, means acquiring knowledge wo nahi kar payega. To isiliye one should stay away from the allurements of mundane entertainment. Secondly, should have a respectful distance from the opposite gender. Respectful. Not of hatred or inferiority or superiority complex. It should be that of respect. Even there are females in your college, in your institute, aapne hello kiya, good morning kiya, you have some kind of notes wagaira, aapne ko discuss kiya and that's it. Par ye uske baad, hey sun, ye to ho gaya, aap cafe coffee day chale. Ab ye karenge to phir brahmachari kahan se rahenge? Kyunki jab jayenge, saath rahenge to baatcheet bhi hogi, baatcheet hogi to nayan lad jayenge to manwama kasak hui bhi karegi. Right? तो मनमामा में कसक हो गई तो फिर तो ब्रह्मचारी कहां से रहेंगे भाई, राइट? तो इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए जरूरी है, सो स्टे अवे फ्रॉम मंडेन एंटरटेनमेंट। हल्की एंटरटेनमेंट इज ओके, नो लाइक फॉर एग्जांपल यू कम हियर, वेरी गुड एंटरटेनमेंट फॉर स्टूडेंट इज दैट कमिंग टू टेम्पल, डांसिंग ऑन कीर्तन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, जीव खुल के गाए, खुल के नाचे, जब थक गए भगवान प्रसाद है, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद वो थोड़ा आपने पा लिया, गुड चेंज, गो बैक अगेन स्टडी, गुड रिक्रिएशन, वॉचिंग मूवीज Netflix पे, Amazon Prime Videos पे, that's not really a break. It even tires you even more. ये हमें और थकाता है. Yeah? So in this way you can practically execute brahmacharya like being a student. हाँ जी, yes. हरे कृष्णा स्वामी जी. हरे कृष्णा. Myself कृष्णा. I just want to one question, sir. जैसे मैं goals की तरफ बढ़ रहा हूँ अभी धीरे धीरे, right? So मैं confused रहता हूँ कि जैसे entertainment values है, तो मुझे ये लगता है कि क्या जब उसका टाइम आता है तो एंटरटेनमेंट करना चाहिए या उन्हें सेक्रीफाइस करके या उन्हें कॉन्कर करके मैं कंटिन्यूअसली मैं आगे चलता रहूं, तो मुझे वहां रिजल्ट मिलेगा कि मैं एंजॉयमेंट के साथ मतलब वैल्यूज के टाइम देता मैं चलता रहूं? हाँ, तो होता क्या है, समटाइम्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक एज वेल, टेकिंग अ ब्रेक इज गुड, लेकिन वो छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं मेरे बहुत बड़ा ब्रेक चल रहा है मैं बीच में ब्रेक लेता हूं पढ़ने का, ऐसा नहीं, जो भी आपका जो हमें करना है वो तो हम करते हैं, ठीक है, बीच में वी शुड ऑल्सो टेक अ ब्रेक, बिकॉज इफ आई डू नॉट टेक अ ब्रेक आई विल ब्रेक डाउन, सो बिफोर यू ब्रेक डाउन टेक अ ब्रेक, जरूरी है। जैसे व्हाट्सएप पे हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, नहीं रहते, रात को सोते भी तो हैं, थोड़ी आंखें खुली हुई हैं व्हाट्सएप पे, किसी मैसेज आया रिप्लाई करना होगा, भूत हो जाऊंगा दो दिन बाद, तो हम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन भी तब रह पाते हैं क्योंकि हम कभी कभी ऑफलाइन भी जाते हैं, वी टेक अ ब्रेक, राइट? सिमिलरली in our life also, when you are pursuing something, whether in your career or in a spiritual life as well, we take a break. Jaise hamare IYF hai, iskon youth forum hai, we take a break in between, we'll go to Vrindavan, okay, this week, on this weekend we are going to Kurukshetra, this weekend we are going to Vrindavan, this week we are having a camp, we take a break. Aur hamara break kya hai, basically break mein log kya karte hain, singing, dancing, hamare yahan to subah dopahar shaam hai kya aur zindagi mein,
सिंगिंग डांसिंग ही तो है, इसको छोड़ के जाएगा कि डिवोटी सोचे चलो बहुत हो गया सिंगिंग डांसिंग, ब्रेक लेते हैं चलो मूवी दिखाएं। कहते मूवी में, मूवी को देखने के बाद जो लोग करना चाह रहे हैं वो तो पहले से कर रहे हैं, और बाहर के लोग किस पे डांस कर रहे हैं, हू लेट द डॉग्स आउट, भाव 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 पे। विच वन इज बेटर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एक तो ये है, और दूसरा है बदतमीजिल बदतमीजिल, किस पे मीनिंगफुल डांस होगा, हरे कृष्णा पे ऑफ कोर्स। तो इसीलिए बीइंग डिवोटीज ऑफ कोर्स हमें ब्रेक की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वैसे करियर में जो है ऑफ कोर्स बिफोर यू ब्रेक डाउन टेक अ ब्रेक। हाँ जी यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। मोस्ट ऑफ जी क्या होता है कि हम गोल सेट कर पाते हैं, हमारा गोल क्लियर है, पर्पस क्लियर है, पर वो मोटिवेशन मेंटेन नहीं रहता, जैसे आज आए यहाँ पे तो वो मतलब कि कन्विक्शन नहीं रह पाती। हाँ, कन्विक्शन कैसे बढ़ेगी, मैंने क्या बताया, कन्विक्शन बढ़ती है डीप कॉन्टेम्पलेशन से। जो चीज यहां पर जिसके डीप ग्रूव्स हो गए, जिस चीज के यहां बहुत डीप ग्रूव्स हो गए, वो चीज ग्रॉस लेवल पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जिसके लिए यहां रिजॉल्व कमजोर है ना, उसको मैं फिजिकली एग्जीक्यूट करने में मेरे को चैलेंज आएगा ही जाएगा। तो अपने कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लाइक इन अ क्ले टून आई शोड यू, देन यू कैन एजुकेट योर सेल्फ। अगर मैंने चेंज किया तो बेनिफिट क्या होंगे, चेंज नहीं हुआ तो उसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, एजुकेट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो यहां जब क्लियर होगा तो यहां भी क्लियर होगा। दैट्स व्हाई देयर इज अ सेइंग, क्लैरिटी ब्रीड्स मास्टरी। मास्टरी कैसे आती है, फ्रॉम क्लैरिटी, क्लैरिटी ब्रीड्स मास्टरी। कंफर्ट जोन छोड़ नहीं पाते, ये कैसे, कंफर्ट जोन छोड़ नहीं पाते। हाँ, कंफर्ट जोन क्यों नहीं छोड़ पाते, बिकॉज ये दो चीजों की कमी होती है, इंस्पिरेशन एंड कन्विक्शन, ये होने चाहिए। जब ये होंगे, शुरुआत होगी इंस्पिरेशन से, जो ड्राइव करेगी वो है कन्विक्शन। एक्चुअली इंस्पिरेशन इज मोर ऑफ ए मेंटल एक्टिविटी, लेकिन माइंड के धरातल पर रह करके ना हम चीजों को पा नहीं सकते, बट कन्विक्शन इज एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इट्स अ फिनोमेना ऑफ इंटेलेक्ट, इट इज अ फिनोमेना ऑफ माइंड। माइंड के लेवल पर रह करके हम कुछ चीज शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ड्राइव करने के लिए मुझको इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन चाहिए होती है, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। सो वी शुड ऑल्सो इंटेलेक्चुअली कन्विंस माई सेल्फ टू डू अ सर्टन पॉजिटिव थिंग टू डू इन माई लाइफ। ठीक है जी, लाइक फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना ही है, आई शुड लॉजिकली इंटेलेक्चुअली कन्विंस माई सेल्फ वाई शुड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, Why should I read every day for 2 hours? Why? ये intellectual conviction है. So intellectually also we have to convince, because more powerful than the mind is intelligence. So हमें intelligence को strong बनाना बहुत जरूरी है by conviction. Sir, one more last question, sir. Sir, how to know your passion and convert your passion into your profession? Firstly, you should give up passion. Give up passion. Yes, you should give up passion. ये बाहर जितने लोग बोलते हैं, come on man, if you are passionate about something, then you can achieve it. So be passionate about life. Be passionate about the goals of life. All right, guys, be passionate. Don't be passionate. Passionate will make you restless. Be enthusiastic, but not passionate. Passionate लोग exploit भी करते हैं लोगों को. Passionate लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं. पर हमें जोश तो रखना है, लेकिन दोष के साथ होश भी रखना है। सो वी शुड बी एंथुजियास्टिक बट नॉट पैशनेट। ओके सर, मोर ओवर सर, इफ वी कंसीडर गुरु नानक देव जी, इन हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू क्राई, ही यूज्ड टू क्राई, या ही यूज्ड टू गो टू क्रेमेटोरियम ग्राउंड्स एंड सेट देयर एंड यूज्ड टू स्पेंड द डे द होल डे देयर, एंड लेटर ऑन इन हिज लाइफ ही इवन मैरिड a woman, he has kids and all that things, and he established the Sikh dharma. So he was successful. So can we consider him as a brahmachari person or not? No, he was a grihastha. Grihastha, actually, jo brahmachari hota hai, he is abstaining from all kinds of sex life. All kinds of sex life means all kinds of sex life, either with someone or even masturbation, nothing. He remains sexually pure. That is ideally brahmachari. So you see, he was a grihastha. Later on, he took to vanprastha life. In the sense, he renounced his family life and then he became the wandering saint to give teachings of God to everyone. Aisa. So he was a grihastha, then he became a vanprastha. Vanprastha means again coming to monkhood after grihastha life. That is known as vanprastha. Yeah?